आसनसोल का खबरीलाल में आप सभी का स्वागत है। रोज शाम 8 बजे मेरे संग जुड़िए और देखिए आसनसोल का खबरीलाल। आसनसोल का खबरीलाल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आसनसोल शिल्पांचल की प्रमुख खबरों को लेकर फिर खबरीलाल मोहन सिंह हुआ है हाजिर। आज जो खबरें हम दिखाएंगे वो है कि ECL के क्षेत्रों में निकल रहा है जमीन से धुआं और आग, लोग आतंकित। दूसरी जो खबर है वो दिखाएंगे हम कि ECL द्वारा रास्ता चौरीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा, उसको लेकर सर्वे हुआ है, इससे दुकानदारों में मचा है हड़कंप। आसनसोल में थोड़ी सी बारिश होने पर भी देखा जा रहा है कि कई लोगों को हो रही है इससे परेशानी। आसनसोल का खबरीलाल में खबरों की शुरुआत करेंगे कि धुएं के आतंक से, आग के आतंक से। आसनसोल का जामुड़िया क्षेत्र केंदा फाड़ी क्षेत्र है। केंदा ECL के ठीक जो एरिया ऑफिस है उसके बगल में इमली धौड़ा बोल के बोला जा रहा है। यहाँ पर 3 नंबर धौड़ा के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र, और इस क्षेत्र के में देखा जा रहा है कि ज़मीन से आग और धुआं निकल रहा है। यहाँ के रहने वाले बस्ती के लोग आतंकित हैं, वो लोग भयभीत हैं कि कब यह ज़मीन धस जाएगी। इससे आतंक से वो लोग रात को नींद भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर देखा गया है कि उस इलाके में पहले भी इस तरह की घटनाएं घटी थीं। ECL प्रशासन द्वारा उसे आग को बुझाने के लिए उसमें मट्टी फेंक दी गई थी, मुहाना बंद कर दिया गया था। फिर उस क्षेत्र में इस तरह की आग भड़क चुकी है और धीरे धीरे आग की लपटें और भी भयावह हो रही हैं। क्या हुआ, वो सुन टूट गया है, घर तरफ पीछे तरफ, हम लोग का घर सामने में है। अब कब क्या होगा नहीं होगा, कैसे इतना बच्चा छोटा लेकर सोए रहते हैं और इतना छोटा छोटा सब गाँव है। आसनसोल नगर निगम का 10 नंबर वार्ड निगाह क्षेत्र ECL का सड़क है। ECL की सड़क से जो हाईवे से सटा हुआ है, यहाँ से जो है निगाह कोलेरी से कोयले का आना जाना होगा ट्रकों के माध्यम से, जो कि ECL अपने जो कोयला है उसको जो है इस रास्ते से लेकर आना जाना करेगा, अर्थात ट्रांसपोर्टिंग में व्यवहार करेगा। और इसको लेकर ECL जो है प्रशासन की तरफ से, निगाह कोलेरी की तरफ से रास्ते का चौरीकरण किया जाएगा। और इस चौरीकरण को लेकर आज माफी जो कि देखा गया कि यहां पर जो है 45 फुट का लगभग जो है रास्ता को चौड़ा किया जाएगा। जिन लोगों ने अवैध तरीके से इस रास्ते पर दुकानें बनाई है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। अब जो है ECL उनको नोटिस देगा, नोटिस देने के बाद उन दुकानों को तोड़ दिया जाएगा, ऐसा ही जो है ECL अधिकारी ने बताया है। देखिए, हमारा निगाह कोलेरी का एंट्री पॉइंट है, नेशनल हाईवे से यही निगाह का रास्ता होता है, जिसमें से हमारा लोकल सेल का गाड़ी भी आता है। यहाँ से निकलने में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारा जो लैंड है उसमें दुकानों का निर्माण जरूर हुआ है, उसमें जो एक्सटेंड करके जो शेड रोड तक लाया गया है, इसके चलते बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी नज़र आता होगा। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में थोड़ी सी बारिश होने से ही सब कुछ उभर कर आ जाता है, और इस दिन देखने को मिला जब बारिश हुई तो आसनसोल जो रेल स्टेशन रोड है उस रोड में कमर तक पानी आ गया, और कई महिलाओं को देखा गया कि इस कमर तक पानी में उतर कर आर पार जाते हुए, अर्थात अपने जो है जहाँ जाना है वहाँ जाने को मजबूर हैं। क्यों ये पानी रुक जा रहा है, किस कारण से रुक जा रहा है, और क्या यह नगर निगम या फिर रेल प्रशासन अपनी जो क्षेत्र है वहाँ पर साफ़ सफाई ठीक से नहीं कर पा रहा है, ये भी स्थानीय लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ साथ एक ऑटो चालक ने बताया कि मुझे जो है बच्चियों को, स्टूडेंट को लेने के लिए स्कूल जाना था, लेकिन मैं कब से खड़ा हूँ, क्योंकि ये जो पानी जो आगे में लगा हुआ है इसको पानी को पार कर कर मुझे जाना संभव नहीं है, इसीलिए कई घंटों से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ।
इस बीच देखा गया कि कई लोगों को आने जाने के लिए इस गंदे पानी के बीच में उतर कर भी आर पार करना पड़ा। अर्थात एक महत्वपूर्ण रास्ता स्टेशन रोड जो कि आसनसोल स्टेशन को जाता है, वो रास्ते की इतनी दुर्दशा खराब, थोड़ा सा पानी आने पर इतना पानी जम जाता है तो आम जगहों पर क्या होगा। अर्थात इस रोड को VIP रोड माना जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी जमाव से कई लोगों को परेशानी हुई है। तो बहुत दिक्कत भी है, पानी भरे से आने जाने सब रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सर अभी 1 बजे से हम लोग खड़ा है यहाँ पर, 1 बजे से 3 बज गए, बताइए। बच्चे लोग कोई परेशानी हो रही है? पूरा परेशानी, गार्जियन आ नहीं पा रहा, सब ये सोचे अभी गाड़ी क्लियर हुआ तो अभी देके जा रहे बच्चा। अभी तक आप सभी दर्शक देख रहे थे आसनसोल का खबरी लाल में आसनसोल शिल्पांचल की प्रमुख खबरों को। हर बार की तरह इस बार फिर अगली बार फिर लेकर आएंगे हम आपको आसनसोल शिल्पांचल की प्रमुख खबरों को। अभी दीजिए इजाज़त खबरी लाल मोहन सिंह को, कल फिर होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए डिजिटल खबरी लाल, हिंदी न्यूज़ चैनल।